अमृत वाणी की छत्रचार में बैठे मित्रगण, रिश्तेदार, सगे संबंधी, घर परिवार वाले आज इस अंतिम अरदास में शामिल हुए हैं, क्योंकि गुरु चरणों की सेवा गुरु की नानी निमानी प्रीतम कौर जी अपना तुच्छ भौतिक शरीर छोड़ करके अपने स्वरूप में विलीन हो गए। ये प्रकृति का नियम है कि जो देहधर के आया है वो जाएगा जरूर, और इसका कोई ऐसा एफिडेविट भी नहीं है कि 100 साल का जाएगा कि 150 साल का जाएगा या महीने का जाएगा। ये तो मां की पवित्र कोख से जाना शुरू हो जाता है। माताओं के मुखारविंद से सुना होगा कि मेरा तो 2 महीने का था, मेरा तो 4 महीने का था। ये मां की पवित्र कोख से जाना शुरू हो जाता है और बाहर आता आता चला जाता है, आने के तुरंत बाद चला जाता है। इसकी कोई उम्र नहीं, उम्र ही शरीर की है। शरीर ही पैदा होता है, यही मरता है, यही वृद्ध होता है, यही बीमार होता है, शरीर नाशवान है। लेकिन शरीर के अंदर जो है चेतन आत्मा है, जो परमात्मा है, उसका जन्म नहीं है, उसका मरण नहीं है, उसका आना जाना भी नहीं है। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी पावन पुत्र वाणी में 2 चीज का जिक्र किया है कि 2 चीज संसार में अनादि है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ और चेतन, जड़ में अपार शक्ति है लेकिन उस शोक को नहीं जानता, चेतन में बहुत शक्ति है, वो खुद को भी जानता है, बाहर वाले को भी जानता है। उसी का जिक्र जगत गुरु रविदास महाराज जी अपनी पावन पुत्र वाणी में करते हैं। रथ को चतुर चलापन हाक खिन हाके खिन उभो राखो नहीं आपको सारो, जब रथ रहे सारथी थाके तब को रथ चलावे, नाम बिन सबे ही थाके मन मंगल नहीं लावे, 5 तत्व का ये रथ साजे करते कुत निवासा, चरण कमल ही लाइयो है गुण का वेर तसा। फरमाते हैं रथ को चतुर चलावन हार, 2 चीज बता दिया। रथ क्या है? ये पंच भौतिक शरीर, तो इसको चलाने वाला बड़ा चतुर है, बड़ा सूर्यवान है। खिन हाके खिन उभो राखो नहीं आपको सारो, जब चाहे चलता है, जब चाहे रोता है, बैठता है, हंसता है, दौड़ता है, इसकी मर्जी है। चल रहा है रास्ते में, फिर घटा गया, अपना बचता है, आपको बचाने वाला नहीं है। खिन हाके खिन उभो राखो नहीं आपको सारो, किसी को सारा नहीं है। जब रथ रहे सारथी थाके तब को रथ चलावे, ये सवाल खड़ा कर दिया जगत गुरु रविदास महाराज जी ने। पहले बताया कि 5 तत्व का ये रथ साध्य, भूमि जल तेज वायु आकाश, 5 तत्व जड़ सदा निवासा, चेतन जीवित 60 वस्तु है संसार अनादि स्यों में। 5 तत्व जड़ है और चेतन जड़ तत्वों को भी जानता है, स्वयं को भी जानता है। तो जगत गुरु रविदास महाराज जी यही कहते हैं कि जब रथ रहे सारथी थाके तब को रथ चलावे, जब रथ तो मौजूद है, रथ के सारे नट बोल्ट भी ठीक है, सारे पुर्जे उसके ठीक है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह, हाथ पैर सब कुछ तो है, लेकिन उस रथ को चलाने वाला नहीं है, वो ड्राइवर नहीं है जो रथ को चलाने वाला। जब रथ रहे सारथी थाके, रथ तो है लेकिन सारथी थक गया, सारथी कौन है? जिसके चले जाने पर हम लोग कह देते हैं खत्म हो गया, ले जा करके दफना देते हैं, अग्नि में प्रवेश कर देते हैं, पानी भी बहा देते हैं, शरीर की एक गति होती है।
जगत गुरु रविदास महाराज यही सवाल खड़ा करते, जब रत रहे सारथी थाके तब को रक्त चलावे, नांद बिंद सबे ही थाके मन मंगल नहीं गावे। फूल भी बंद हो जाता है, हवा भी बंद हो जाती है, रविदास महाराज जी कहते हैं शरीर में सिर्फ एक ही हवा रहती है, धनंजय वायु। उस धनंजय वायु से मोटी फूलती है और को वायु, बाकी सब समान वायु, फूल भी बंद, सब कुछ। मन में कोई खुशी कोई गमी कुछ भी तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो जड़ पांच तत्व हैं वो अलग हो गए, जो चेतन है उसमें बैठा था उससे अलग हो गया। ये दो चीजें आती है, यानी कि कार है, कार का ड्राइवर उससे अलग हो गया, कार खड़ी रहे कितनी भी नदी हो, ड्राइवर अलग होगा, कार खड़ी। तो जगत गुरु रविदास महाराज ने यही बताया कि पांच तत्व का रथ है ये पड़ा है, और जो इस रथ को चलाने वाला तो इस तरह, और जब वो इसमें नहीं है तभी वो कहते हैं कहते राम नाम सार्थक सबको होगा। इसके लिए बोलते हैं कि राम नाम सार्थक है सबको होगा। जो अर्थी पे चला जा रहा है वो तो सुन नहीं रहा, ये उन्हीं के लिए है जो पीछे चलते हैं, कि उस परमात्मा के स्मरण सत्य है, उसकी भजन मन की सत्ता है, सेवा है, स्मरण है, भजन है, बंदगी है, सब है। नाम बिन सभी खाके मन मंगल नहीं गावे, मन में कोई खुशी गमी भी नहीं। पांच तत्व का ये रथ साचे अर्धे ऊंत निवास, चरण कमल की गाई जो है गुण गावे, से पांच तत्व का रथ है। अर्धे कहते हैं नीचे को, कहते हैं ऊपर को। जगत गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं अर्धे ऊर्ध निवासा, अर्धे यानी के अन्य एक तो तीर खानी है, जेरा जयंता जय स्वज है, ये अर्धे है, नीचे की खानी है, ऊर्ध की खानी कौन सी है, उससे खानी है। ये कर्म भूमि का है, ये कर्म कर सकता है, अच्छा करे कर सकता है, बुरा करे तो भी कर सकता है, ना करे तो भी आ जाता है, लेकिन कर्म कर लेने के बाद फल से बचने के लिए आजाद नहीं है। रविदास महाराज जी का फैसला है, मनुष्य कर्म करने के लिए आजाद है, अच्छा करे बुरा करे ना करे, जो इसको करना होगा छुपके करते हैं। आज इतनी चोरी जा रही हिंसा व्यभिचार सब छुपके लिए चलना है काम, लेकिन दंड भोगने के लिए ये मजबूर है, भोगना पड़ेगा, मनुष्य जन्म में भी भोगना पड़ता है, डबल भूमिका में चलता है। रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म डबल भूमिका है, इसमें भोगना भी पड़ता है, और कर्म करने के लिए आजाद है, अच्छा करके अपना बंधन भी छुड़ा सकता है, पूरा करके और बढ़ा सकता है, डबल भूमिका में चलता है। तो जगत गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु के चरणों में लगा रहे तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं गुरुदास महाराज जी फरमाते कि भाई तू पैसे ना कमा, तू घर ना बना, मकान ना, गुरुदास महाराज जी करते सब कुछ कमा, पैसे भी कमा, घर मकान भी बना, क्योंकि आखिरी सांस तक इंसान की जरूरत पड़ती है, पैसा आखिरी सांस तक काम आता है। मेरे पास पैसा नहीं होगा मैं चंडीगढ़ नहीं जा सकता, पैसा होगा तो टिकट लेकर बैठ जाऊंगा। तो पैसा जरूरी है हमारे लिए, लेकिन उसको अंतिम सत्य में समझ लेना कि पैसा हमारे साथ में जाएगा, माया हमारे साथ में, साथ में कुछ नहीं रहता, ये काया या माया सब छोटे दाना होता है, वहां कुछ बाहर नहीं चलता, वहां तो अकेले जाना पड़ता है, ये शरीर भी ही छोड़ के जाना पड़ता है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो जगत गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि जो पांच तत्व जड़ है, अगर अग्नि है हमारे घर की अग्नि है, बाहर के घर किसी और के घर की अग्नि है, उसमें हाथ डालना ही जल जाएगा, खूब हमारे घर का है पड़ोसी का है छलांग लगा के डूब जाएंगे, हमारे गांव की नहर उसमें छलांग लगा के डूब जाएंगे, क्योंकि वो जड़ है वो बचा नहीं सकते, शक्ति है अपार शक्ति है। तो गुरुदास महाराज जी ने वैज्ञानिक बोध हमको दिया है कि हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग है, हम रथ नहीं है, हम रथ से अलग है, हम कार नहीं है, हम कार के ड्राइवर इससे अलग है, हम इससे काम ले, इस शरीर से हम काम ले, अपने जीते जी काम ले, और काम लेकर अपने जीवन का उद्धार कर दे, जीवन मुकंदे मर्त मुकंदे
ताकि सेवक को सलाह न मिले, जीते जी इससे काम लेके अपना जीवन का कल्याण करें। अगर हम सोचे कि मरने के बाद में शायद कुछ उद्धार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मरने से पहले जो आनंद इस समय ले सकते हैं, भक्ति का, मुक्ति का, सुख का, क्या वो गुरु के चरणों में, वो भजन भक्ति में, वो पानी में, उसको अपने हृदय में उतार दो उसके चरणों, तो जीते जी जो मुक्त है वो मरने के बाद भी आदि अनंत के लिए मुक्ति है। और जो जीते जी बंधन में पड़ा है उसे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, वो आदि अनंत के लिए बंधन भी नहीं है, क्योंकि मुक्ति का छुटने का मार्ग यही है। यहाँ उससे कर्म भूमिका में मोक्ष के किनारे पर बैठा हुआ है, यहाँ भजन बंदी करके अपने जीवन का किनारे बंदे कर ले आपने भैया, आप जीत ले वो आप खोल कर उगे कहाँ घर तेरा, ये बंदे अपना नवेड़ा अपने आप कर ले, तेरा घर कहाँ है, तू कहाँ से आया, अपने जाना कहाँ है, इस शरीर के रहते तेरा फर्ज क्या बनता है। सबसे पहला सर्वोच्च कर्म हमारा क्या, अपने आत्म कल्याण, अपना जीवन कल्याण कर लेना। प्रारंभ में जो होगा मिलेगा, घर भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, घर मकान जमीन जायदाद सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं है, वो छोड़ना पड़ेगा। वो जो सिमरण हम कर रहे हैं वो हमारी असली जो माया है वो है, क्योंकि अगर हमने यहां से अमृतसर जाना, चंडीगढ़ जाना, तो हमें पता कि शाम तक वापस आ जाएंगे, तो हमने आने जाने का इतना तो इंतजाम करके जाएंगे, सो जाने के लिए, सो आने के लिए 100 रुपए के खर्च के लिए, 300 रुपए का खर्च किए ना, इतना तो लेके जाएंगे, पता कि शाम तक वापस आ जाना। लेकिन जब हम उस सफर पर जाते हैं जहां से वापस आना ही नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया? अगर वो सिमरण रूपी पूंजी हमारे पास तो नहीं है, जो बाहरी पूंजी है, जो गुरुदास महाराज जी कहते हैं दृष्टम सो नष्टम, जो दिखता हो तो नाश होता है, कहता ना जो दिन देखे उठे नहीं आता, जो दिन से कोई भी नाश आता, संस्कृत में बोल दिया दृष्टम सो नष्टम, जो दिखता हो नाश होता है, वो साथ जाने वाला नहीं है, तो सिमरण ही साथ मिल जाएगा। गुरु के चरणों में रहकर के जो सिमरण किया, भजन बंदी किया, दान पुण्य किया, वो भी साथ हो जाएगा, वही पूंजी इकट्ठी होती है, उसी पूंजी के सहारे आगे संस्कार रूप में दूसरी देह धारण करता है। बंदे कर ले आप मेरा, आप जीते को आप देखा करते रहा, जीते जी बंदी कर ले, अपने परिवार में रहता है, उनका खर्च निभाता हुआ अपने जीवन का कल्याण कर ले। छोटा सा हमारा घर ये मंदिर तो है, हम जो लोग इस घर में रहते सारे इसके पुजारी तो है, हम सब इसके पुजारी हैं, इस मंदिर में हम रहते हैं, इस आश्रम में, इस घर में रहते हैं, इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर ले। ये भी मुसाफिर है, मैं भी मुसाफिर हूँ, मेरे भी चले जाना है, इतना भी चले जाना। गुरु के चरणों में इसलिए आ जाता कि साधु को भी जीवन कल्याण करना है, गृहस्थियों को भी जीवन कल्याण करना है, आम लोगों को जीवन कल्याण करना है, तो जीते जी कर। मानुष तेरा गुण बड़ा मास में आवे काज, हार में होते आवरण तब चन भाजन पा। सदगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा है, तेरा धन दौलत गाड़ी पद प्रतिष्ठा ये बड़ी नहीं है, ये बड़ी नहीं है, कुछ भी कर ले, जितना मर्जी कमा ले, आपकी ऊंचे आकर लोग वही सहारा लेना पड़ेगा, उसी लकड़ी की कटरिया पर बैठ कर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहां किसी और पर बैठ करके जाए, ये प्रकृति का जो नियम है, जो जगत गुरु रामदास महाराज जी फरमाते हैं कि संसार में बीच में हमारे पास साधन कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब माँ की पुत्र कोख में आता है वहां भी जठर आदमी में जलना पड़ता है, 9 महीने जलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अडानी अंबानी के जो घर में कोई माताएं बनती है वहां कोई एसी लगा हुआ नहीं, जठर आदमी को भी जलना पड़ता, बीच के साधन है उनके पास साधन ज्यादा है, इसके पास कम है, वो जब जाएगा तब भी उसी लकड़ी की टटकी पे जाएगा, तभी लकड़ी हो इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ना जन्मने में अंतर है, ना गर्म में अंतर है, ना मरने में अंतर है, बीच का जो जन्म जन्म और मौत के बीच का जो अंतर है जिसको हमने जीवन कहा, ये तो फटफट है, कोई सुखी है इसमें, कोई सुखी नहीं है। तन धरिया सुखी है कौन देखा, जो देखा सो तुझिया, जिसने तन धरिया सुखी कोई नहीं है, सुखी वही है जो गुरु के चरणों में लग
सेवा से मन भजन बंदगी में लग करते सबंध वो सुखी तो आनंदमय हो। ये तो पुण्य आत्मा जो अपने शरीर छोड़ करके गई है, ये तो हम सामने देख सकते हैं कि आज जहाँ गुरु महाराज के अमृतवाणी का जाप हो रहा, कीर्तन हो रहा, आप दूर लगी सुबह आ गए आए हैं, लोग यहाँ बचे गए सब देख रहे, तो लोग हम भ्रम में पड़ जाते कि जाने वाला कहाँ गया, जाने वाला कहाँ गया, जब वैकुंठ धाम यहाँ सजा हुआ तो जाने वाला कहाँ जाएगा, वैकुंठ भी उसे आगते जहाँ होते संस्कार। गुरुदास महाराज ने फरमाया था ये वैकुंठ पर है जहाँ सिमरन चल रहा है, वाणी चल रही है, कीर्तन चल रहा है, सत्संग हो रहा है, सुनने वाले बैठे। जगत गुरु रामदास महाराज ने फरमाते हैं संतु कबीर साहब की वाणी है, मानुष तेरा गुरु बड़ा है, मानुष तेरा गुरु बड़ा आते हैं पद प्रतिष्ठा दान दौलत के बड़ी नहीं, ये तो सब बीच का साधन है। मास ना होवे काल तेरा मास कैसा भी हो ये किसी काम में नहीं आने वाला, हार न होते आभरण तेरी हड्डियों का कोई गहना भी बढ़ने वाला नहीं, त्वचा न बाजन बाद तेरी चमड़ी का कोई ढोल कोई बाजा कोई तबला कोई नगारा कुछ भी तो नहीं बढ़ने वाला है, तो इसीलिए इस साधन में रहते रहते अपने जीवन का कल्याण कर ले, सबसे बड़ी यही विशेषता है मानव जीवन की, अगर किसी और खाने में जा गए वहां ये कुछ भी मौका ही नहीं मिलेगा, ये सत्य है, किसी और खाने में ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा, सत्संग का मौका नहीं मिलेगा, कर भी तो नहीं सकते, उसकी अब भोग भूमिका है, मनुष्य जन्म भोग भूमिका भी है कर्म भूमिका भी है, ये कर्म कर सकता है और भोगता भी है, भोगने के लिए मजबूर है, लेकिन हमने जो तीर्थ खा लिया है उसमें सिर्फ भोग ही भोग है, वहां कर्म नहीं है, जितना मर्जी कर्म कर लो अच्छा कर लो, वहां पूजा भक्ति सेवा सिमरन कुछ भी नहीं, वहां तो भोग है, एक बैल है, अगर उसको भूख लगी है खाने के लिए नहीं मांग सकता, उसको होटल नहीं है वो पानी नहीं मांग सकता, होटल नहीं है पेट में दर्द है बुखार है दवाई नहीं मांगता, क्योंकि भोग तो भी काम है, पीठ पर डंडे खाने पड़ेंगे भोजन खेचना पड़ेगा किसी भी खाने में, लेकिन जिस खाने में हम बैठे हुए दूसरे खाने में बैठे हैं पेट में दर्द है दवाई मांगेंगे मिल जाएगी, भूख लगी है भोजन मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, इसलिए यहीं रहते रहते उसका सिमरन करो, जीवन का उद्धार हो जाए भाई रे, बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो जब राम जी जानी, ए भाई बहुत दुख 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 की खानी है, ये भी सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया है कि किसी भी खानी में चले जाओ बहुत दुखी दुख है, आजकल तक इसको भी बहुत देखते हैं, आजकल तो साधन है सबके पास, भाई रे बहुत दुख दुख की खानी, बहुत दुख है, बहुत रोना पड़ता है, बहुत चीखना पड़ता है, बहुत चिल्लाना पड़ता है, बड़ा दुख सहन करना पड़ता है, तब बची हो जब राम नहीं जानी, तभी बचाव हो सकता है जब उस नरगढ़वासी राम को जान जाओगे, वही परमात्मा हर घर में वास करता है, सबसे बड़ा मंदिर चर्च गुरुद्वारा ये मंदिर ये शरीर ये मानव इस मानव मंदिर में ही इस मानव देव के मंदिर में ही वो परमात्मा वास करता है, वो यही वास करता है, जिसको हम बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं को वेदों में देखता है कोई तीर्थों में देखता है, गुरुदास महाराज तो वहां का रास्ते सारे साफ करते हैं, साफ करके रास्ता देखते हैं, काम अधूरा काज द्वारा आकाश की रखवा गुरुदास को दिल अपना प्रभु जी का देता है, तो वहां तीर्थों पर कोई जिसको ढूंढता मिलता है उतने दिन दिन तक बाकी सारे वक्त तेरे अंदर बैठा हुआ, वही चेतना वही आत्मा वही परमात्मा तेरे अंदर बैठा है और तू उसको बाहर ढूंढा देखा, वो किताबों में नहीं मिलेगा, जितने मर्जी शास्त्र पढ़ लो जितने मर्जी उस पर चल करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, यही मौका है, सिमरण करने के लिए कोई अलग से समय नहीं निकालना पड़ता कि आपने ड्यूटी छोड़ करके सिमरण ही करना, नहीं आप ड्यूटी पर सिमरण कर सकते हैं, चलते करो फिरते करो बैठते करो, लेकिन ये बात आप वन में नहीं जा सकते, जंगल में कर सकते हैं, क्योंकि वहां कुछ मिलना नहीं, जब हमें चार आदमियों के परिवार में यहाँ शांति नहीं है तो वन में शांति मिल जाएगी, हमारे घर में यहाँ पांच चार मेंबर है हमें यहाँ सुख नहीं है और हम चाह रहे कि सर हरिद्वार में नहा के आएंगे भाई वहां सुख शांति मिलेगी वहां बैठकर तप करेंगे, जब चार पांच आदमी में हमें शांति नहीं है तो वहां हजारों लाख आदमी
शांति मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा मंदिर ये है जहाँ गुरुवाणी, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा चर्च यही है। प्रभु जिसको अल्लाह खुदा खुदा गोर वाहेगुरु किसी भी नाम से पुकारते हैं वो सबके अंदर बैठा है, हर घट में बैठा हुआ है। घट छोटा हो बड़ा हो, उम्र छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे वृद्ध हो, हर घट में वो बराबर बैठा है। उसके सबका सबको बराबर है। ये मत सोचना कि बुजुर्ग है इसमें कम होगा या बच्चा इसमें कम होगा, नहीं, सबके बराबर सबका है। और वो घट किसका भी हो, वो किसी का भी घट हो, ये जात वर्ण धर्म तो बाद में बने हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो हर घट में वास करता है जहाँ विकास कर। इसलिए आज बसेरा नहीं है और मैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो और मैया राम। आज अवसर है, आज मौका है, हम भजन कर सकते हैं, बंदी कर सकते हैं, साधु संतों के चरणों में जा सकते हैं, अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं, जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और वो जाकर के जीते जी जीवन कल्याण कर सकते, नहीं तो अगर समय हाथ से निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। आज हमारे पास समय हमारे हाथ में, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेन कर सकते हैं, सेवा समय कर सकते हैं। प्रभु के ऐसा से जी पितर गौर जी ने अपना पंचपति शरीर छोड़ करके अपने स्वरूप में विलीन हो गए, ये मैंने क्यों कहा, अपने स्वरूप में जो प्रमुख जो संत है वो कोई आते जाते नहीं, उनका जन्म मरण नहीं है, वो अपने स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, वो जीते जी अपने आप को कहते हैं भजन करके आपको। भजन का मतलब भी घूम देना अपना, जिस प्रकार से चने का एक दाना अगर उसमें कच्चा पड़ा रह गया, चना का दाना कच्चा है और जमीन में डाल दिया तो धरती का सिलोट बाके वो टूट जाएगा। अगर उस चने को भून दिया जावे, उसको भून दिया जावे तो उसको चाहे खाद में डाल दो, चाहे पानी में डाल दो, चाहे मिट्टी में डाल दे, अपना दो, वो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। तो गुरु के हिसाब से निकली साधु संत भक्त जो गुरु से जुड़े हुए वो जीते जी अपने आप को भूल देते हैं, अपनी गलियों को भूल देते हैं, तो वो दोबारा अंकुरित नहीं होते, वो दोबारा जन्म मरण के गले में नहीं पड़ते, उनका जीवन कल्याण हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पास समय है, हम अपना भजन बंदी करके अपने जीवन का कल्याण करें, अपने घर परिवार का भी काम करें, अपनी जिम्मेवारी समझ करके करें। सब के साथ में आप सब जय देव।